सो हाय गाइस, तो आप सभी को तो याद होगा ही कि अपने गेम के अंदर हमको एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट देखने को मिला था मेल्टिंग वॉल्ट के नाम से, जिसका खास बात यह था कि आपके वॉल्ट में जितने सारे बेकार आइटम है वो सबको देकर आप लोगों को बेहतरीन आइटम्स एक्सचेंज करने के लिए दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने न्यू मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट के बारे में, कब तक अपने गेम के अंदर नया मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट आएगा, उसका डेट क्या है और क्या कुछ रिवॉर्ड्स हमको देखने को मिलने वाले इस बार मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट के अंदर से। और इसके साथ में गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन G18 के बारे में, हमारे गेम के अंदर इवोल्यूशन G18 कब तक आएगा, उसका पूरा रिव्यू देखने में कैसा है, तो उससे मेरा क्या फायदा। उससे फायदा यह है कि इवोल्यूशन G18 के थीम पे काफी सारे आइटम्स को डिजाइन किया गया है, जिनमें से आप लोगों को बहुत सारे आइटम बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। एंड इसके साथ में गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने पोकर MV40 रिटर्न के बारे में, कब तक आप लोग अपने गेम के अंदर पोकर MV40 फिर से रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ में और भी कुछ अपडेट्स को आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, जैसे कि पेंडिंग एनिमेशन को आज हम बात करेंगे, कुछ पेंडिंग बंडल को बात करने वाले हैं। सो आप लोग बस आज के इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा हर दिन की तरह बिना स्किप मार के। ठीक है समरिया, तो आओ गाइस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पेंडिंग रिवॉर्ड्स के बारे में, जो कि अपकमिंग टाइम पे अपने गेम के अंदर हम लोगों को देखने को मिलने वाले और बहुत टाइम से पेंडिंग रिवॉर्ड्स में पड़ा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले ये वाला कटाना का स्किन है, इसको डिजाइन किया था माइनक्राफ्ट के कोलैबोरेशन की थीम पे। बाद में गाइस को माइनक्राफ्ट में कोलैबोरेशन होगा या फिर नहीं होगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई ये जो कटाना का स्किन आप लोग देख सकते हो ये एक पेंडिंग रिवॉर्ड्स है। उसके बाद ये वाला A94 का जो गन स्किन है गाइस, ये भी एक पेंडिंग गन स्किन है और ये भी अपने गेम के अंदर आने वाला था, लेकिन अब तक गेम के अंदर गणना वाले ने उसको दिया नहीं है। तो भाई अपकमिंग टाइम पे आपको ये गन स्किन भी गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे गाइस आप लोग तो समझ ही पा रहे हो ये इतना पेंडिंग रिवॉर्ड्स है कि भाई इसके अंदर अभी तक इसके जो एट्रीब्यूट वगैरह है उसको भी ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट गन स्किन, आप लोग को यहाँ पर एक ट्रीटमेंट स्नाइपर गन देखने को मिलता है, हालांकि ये लेजेंडरी नहीं है और इसके अंदर भी एट्रीब्यूट वगैरह भी कुछ ऐड नहीं किया गया। बाकी गाइस को यही सारे रिवॉर्ड जो कि बहुत टाइम से अपने गेम के अंदर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिनमें ग्रेनेड का स्किन भी शामिल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रेनेड स्किन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो एनिमेशन और इफेक्ट वगैरह ग्रेनेड के अंदर दिया गया है वो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, काफी दमदार इसको डिजाइन किया गया है। बाकी इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट रिवॉर्ड की, तो भाई देखो इन सारे पेंडिंग रिवॉर्ड में ये वाला जो एनिमेशन है ये सबसे ज्यादा बेहतरीन और दमदार एनिमेशन है। बेसिकली गाइस ये जो एनिमेशन है ये अपने OB34 या शायद OB35 का एनिमेशन है, जो कि अब तक अपने गेम के अंदर हमको देखने को नहीं मिला है और ये इतना ज्यादा बेहतरीन एनिमेशन है, गर्ना वालों ने इसको भी अपने गेम के अंदर पेंडिंग में रख दिया है, अभी तक गर्ना वालों ने गेम के अंदर इसको अवेलेबल नहीं कराया है। तो भाई देखो ये जितने रिवॉर्ड से हो सकता है अपकमिंग टाइम पे आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाए, अगर इसके ऊपर कुछ लीक्स आगे जगह मिलता है तो आपको मैं जरूर दे दूंगा किसी और वीडियो में। लड़ाओ गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे अपने इवोल्यूशन G18 के बारे में। सबसे पहले गाइस आपको मैं इवोल्यूशन G18 का रिव्यू करा दूं देखने में कैसा होगा। तो बेसिकली गाइस को अभी तक इसके लेवल 1 और 2 को ऐड नहीं किया गया है लुक के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ लेवल 3 से इसका जो पूरा लुक है वो हम लोगों को दिख जाएगा, कुछ देखने में इस तरीके से रहने वाला है अपना इवोल्यूशन G18। बाकी लेवल 3 से इसका जो मेन लुक है गाइस वो तो आएगा नहीं, आप लोग को लेवल 7 में जाकर इसका जो मेन लुक है वो देखने को मिलने वाले। बाकी लेवल 4 में आपको देखने को मिलने वाले हीट इफेक्ट, जो कि देखने में कुछ ऐसा रहेगा। बाकी बात करें एट्रीब्यूट के बारे में, इसके अंदर दिया गया है डबल डैमेज और साथ में सिंगल डेट ऑफ फायर, कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट तो देखने में थोड़ा सा बढ़िया ही लग रहा है, डबल डैमेज हमको देखने को मिलेंगे तो एक बेहतरीन एट्रीब्यूट है। उसके बाद बात करें लेवल 5 की बात, तो यहाँ पर कैसे आप लोगों को दो चीजें देखेंगे, पहला है किल इफेक्ट और दूसरा है हीट इफेक्ट। देन हम बात करें लेवल 6 में गन स्किन कैसा रहेगा, तो भाई देखो लेवल 6 में गन स्किन जो इसके जो लुक है मतलब एकदम बहुत बड़ा बन गया है गन स्किन। वैसे देखा जाएगा इसको कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक बिल्कुल रोबोट है और ये अपना मुंह खोल रहा है, तो भाई काफी खतरनाक इसका जो एनिमेशन या फिर इफेक्ट वगैरह है वो काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है इवोल्यूशन G18 के लिए। भले ये गेम के अंदर यूज हो ना हो, किसी को इसको जरूरत है या फिर ना है, लेकिन भाई डिजाइन तो काफी तगड़ा किया गया है गन स्किन को। बाकी लेवल 7 की बात करें, यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगे, पहला है न्यू लुक और दूसरा है न्यू इमोट। हालांकि न्यू इमोट को इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है और लुक वगैरह आपको मैं ऑलरेडी सबका रिव्यू करा दिया हूं। अब यहां पर हम बात करें इमोट को क्यों ऐड नहीं किया गया, तो भाई देखो पहले आपको अपने गेम के अंदर इवोल्यूशन G18 देखने को नहीं मिलने वाले, शायद पहले इवोल्यूशन AC80 आएगा उसके बाद ही आपको इवोल्यूशन G18 मिलेगा, या फिर हो सकता है कि भाई पहले इवोल्यूशन M10 2.0 आ जाए, इसलिए इवोल्यूशन G18 बाद में आएगा, जिस कारण अभी तक अपने इवोल्यूशन G18 में लेवल 1-2 के लुक को एंड साथ में इमोट को ऐड नहीं किया गया है। अपकमिंग टाइम पे इसको भी ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपको मैं उसका भी रिव्यू करा देने वाला हूं। बाकी अब बढ़ते आगे और बात करते हैं इवोल्यूशन G18 की थीम पे डिजाइन किया गया आइटम्स के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस कुछ इस तरीके से आपको एक लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलने वाले है, जो कि थोड़ा सा व्हाइट एंड ब्लैक के थीम पे डिजाइन किया गया है। बाकी इवोल्यूशन G18 के थीम पे जितने सारे आइटम गाइस डिजाइन किया गया है वो सब कुछ आपको व्हाइट और ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एक पेन का स्किन और साथ में एक चाकू का स्किन देखने को मिलने वाले है, दोनों ही आपको व्हाइट और ब्लैक कलर के थीम पे देखने को मिलेंगे। और ये वाला ग्रेनेड का स्किन भी आप लोग को देखने को मिलने वाले है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे, एकदम कप वगैरह बन का आ रहा है, तो भाई काफी बेहतर लग रहा है अपना ग्रेनेड स्किन। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट रिवॉर्ड्स के बारे में, तो भाई इस तरीके से आपको ग्लूवल का स्किन नजर आने वाले है। बाकी गाइस जो ग्लूवल स्किन है ये भी आपको व्हाइट और ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी ग्लूवल स्किन देखने में ज्यादा कुछ बढ़िया मुझे लगा नहीं है, थोड़ा सा ही ग्लूवल स्किन देखने में बढ़िया लग रहा है। बाकी कुछ और भी आइटम्स को डिजाइन किया गया, जैसे कि आपको एक दो पैरासूट का स्किन देखने को मिलने वाले, एक दो सरबोट स्किन देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ही दिया जाएगा इवोल्यूशन G18 इवेंट के टाइम पे। जैसे ही गेम के अंदर वो इवेंट आएगा उसके अंदर सब लोग को बिल्कुल फ्री में पैरासूट, ग्रेनेड स्किन, सरबोट वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट अपडेट जो कि होने वाले अपने पोकर MP40 के ऊपर। बेसिकली गाइस आप में से ऐसे बहुत सारे भाइयों को जो कि आप में से मतलब ऐसे बार मुझे कमेंट करते हो कि सनी भाई अपने जो पोकर MP40 है अपने गेम के अंदर कब तक हमको ये फिर से रिटर्न देखने को
आपको मिलने वाले पोकर एमवीपो टिकाऊ अपने गेम के अंदर फिर से बैक आएगा। कुछ सर्वर के अंदर गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपने रिंग इवेंट के जरिए पोकर एमवीपो टिकाऊ बैक दिया जा रहा है, जहां पर हमको पांचों गन स्किन देखने को मिलता है पोकर एमपी40 का। और ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि दो तीन सर्वर के अंदर करने वाले जो हमको धीरे धीरे सब अवेलेबल करा रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम। इसलिए चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि आप लोग को अपकमिंग टाइम पे अपने गेम के अंदर पोकर एमपी40 फिर से बैक देखने को मिल जाए। और मेरे पास कुछ ऐसे भी बैनर वगैरह देखने को मिला है जहां पर कि पोकर एमपी40 को ऐड किया गया है रिटर्न इनक्यूबेटर के थीम पे। सो भाई हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे रिटर्न इनक्यूबेटर के अंदर अपना जो पोकर एमपी40 है उसको बैक करा दिया जाए और साथ में कुछ ओल्ड बंडल वगैरह आ जाए अपने इनक्यूबेटर के अंदर। बाकी गाइस अगर हमको ये अपने रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलता है तो भाई यहाँ पर आप लोग को डायमंड थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पोकर को लेने के लिए आप लोग को 200 टोकन की जरूरत पड़ेगा एंड ब्लू पोकर को लेने के लिए आप लोग को 200 टोकन देना पड़ेगा। और ये दोनों ही अपने पोकर एमपी40 का मेन टॉप गन स्किन है जिसके अंदर आपको बेहतर एट्रीब्यूट देखने को मिलता है। बात करें ग्रीन पोकर की बात तो 180 टोकन देकर इसको भी एक्सचेंज कर सकते हो एंड रेड पोकर को आप लोग 160 टोकन देकर एक्सचेंज कर सकते हो। और जो ब्लू पोकर एमपी40 है बिल्कुल लास्ट वाला उसको आप लोग 140 टोकन से एक्सचेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ इवेंट के अंदर अगर आता है आप लोग को ऑलमोस्ट 2000 डायमंड लगाना पड़ेगा अपने येलो पोकर को लेने के लिए। बाकी अब गाइस आओ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने न्यू मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट के बारे में, कब तक अपने गेम के अंदर अपना नया मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट आने वाले है। बेसिकली गाइस को मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट एक बहुत ही कमाल का इवेंट था और अपने गेम के अंदर जब मेल्टिंग वर्ल्ड आया था तो भाई हमारे वॉल्ट में जितने सारे बेकार आइटम थे उसको देकर हम लोगों ने बढ़िया आइटम एक्सचेंज किए थे मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट के अंदर से। जिसलिए गाइस को कहीं ना कहीं भाई ये बात गरना को भी बहुत अच्छे से पता है कि अपना जो मेल्टिंग वर्ल्ड का इवेंट है वो एक बहुत ही शानदार एंड बेहतर इवेंट था। जिसलिए गाइस को आप लोग को अपकमिंग टाइम पे रमजान के थीम पे अपने गेम के अंदर मेल्टिंग वर्ल्ड का इवेंट फिर से बैक देखने को मिल सकता है। और रमजान एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट है इस बार के लिए, जिसलिए आप लोग रमजान के थीम पे चांसेस है कि आपको मेल्टिंग वर्ल्ड इवेंट फिर से गेम के अंदर बैक आ जाए। और दूसरी बात गाइस को जब भी अपने गेम के अंदर हमको कुछ बेहतर इवेंट देखने को मिलता है और वो अगर इवेंट सबको पसंद आता है तो भाई गरना वाले उस वाले इवेंट को फिर से अपने गेम के अंदर बैक कराते हैं कुछ टाइम बाद, कह सकते हो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बाद ही वो इवेंट फिर से अपने गेम के अंदर बैक आता है। एंड मेल्टिंग वर्ल्ड गेम के अंदर इवेंट आए हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना हो गया है, आप लोग को बहुत जल्द अपने गेम के अंदर मेल्टिंग वर्ल्ड का इवेंट फिर से देखने को मिल सकता है और वो भी मिलेगा रमजान स्पेशल, जिसके अंदर रिवॉर्ड भी आपको रमजान के थीम पे मिलने वाले है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। आओ गाइस बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में। सनी भाई हमको क्रिप्टो स्टोर के अंदर 50% ऑफ कब देखने को मिलेगा और 700 वाला डिस्काउंट कूपन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बेसिकली स्टोर के अंदर 700 वाला डिस्काउंट कूपन को हटा दिया गया है, इसलिए गाइस को जब भी अपने गेम के अंदर कुछ इवेंट वगैरह आएगा उसके अंदर स्पिन करने पर आपको अगर 700 वाला डिस्काउंट कूपन मिलता है तो आप लोग वहां पर वैसे ले सकते हो, लेकिन स्टोर के अंदर करने वाले इसको कब तक ऐड करेंगे इसको पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और बात करें गिफ्ट स्टोर के अंदर 50% ऑफ की बात, तो भाई रमजान स्पेशल आपको देखने को मिल सकता है, जिस दिन रमजान का पीक डे रहेगा उस दिन आपको गिफ्ट स्टोर के अंदर 50% ऑफ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट के ऊपर बात करते हैं सनी भाई, M1014 कब आएगा एंड सनी भाई गोल्ड से हम अपने कैरेक्टर बंडल को क्या स्टोर के अंदर से ले सकते हैं या फिर नहीं, ये वीडियो में बता देना। तो गाइस को स्टोर के अंदर अपने जितने भी कैरेक्टर के बंडल थे उन सबको गोल्ड से ऐड करा दिया गया है, आप लोग उसको चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो। ऑलरेडी आपको मैं 2 एक्सचेंज यहां पर करके दिखा भी रहा हूं गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो भाई ऐड कर दिया गया है, जो भी आपको बढ़िया लगता है आप लोग उसको एक्सचेंज कर लीजिएगा। बाकी बात करें M1014 के बारे में, अपना जो इवोल्यूशन M1014 है वो तो गेम के अंदर अभी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन इवोल्यूशन M1022.0 आने वाला है। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन के बारे में, नेक्स्ट वेपन डॉल कौन सा है। साथ में कमेंट सनी भाई फ्री फायर मैक्स में बहुत ज्यादा पिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन बता दो। तो गाइस को गेम के अंदर जो हमको OB39 का अपडेट देखने को मिला है ये कंप्लीट तरीके से नहीं है, आप लोग को आने वाले टाइम पे और एक न्यू मिनी अपडेट देखने को मिलने वाले है जिसमें नया गोल्ड डॉल आएगा, FF टोकन के अंदर न्यू बंडल आएगा, शायद बॉडी मार्ट स्टोर के अंदर अपडेट भी होगा। तो भाई उस टाइम पे करना वाले जो अपने पिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराएंगे, कह सकते हो अपडेट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है। इसलिए गाइस आप लोग जो और थोड़ा सा टाइम इंतजार कर जाओ, उस टाइम पे गोल्ड डॉल डायमंड डॉल ये भी गेम के अंदर आने वाले है बस 10 या फिर 11 दिन के बाद ही, तो आप लोग बस थोड़ा सा टाइम और इंतजार कर जाओ। बाकी मेरा आज का वीडियो यही तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।